आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लोहे के तवे के ऊपर डोसा बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपने इस चैनल पर डोसे की एक वीडियो डाली थी, जिसमें कि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास लोहे के तवे के ऊपर डोसा चिपक जाता है। तो फिर मैं आपको आज की इस वीडियो में वो ट्रिक और टिप्स दूंगा जिससे आपका डोसा अब लोहे के तवे के ऊपर कभी नहीं चिपकेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको पता चलेगा कि लोहे के तवे के ऊपर बिना चिपके क्रिस्पी और करारा डोसा कैसे बनता है। सबसे पहले मैं डोसा बनाने के लिए गैस जला दूंगा। मैं गैस की आंच फुल रखूंगा। मेरे पास तवा बड़ा है, इसीलिए मैं इसको कम से कम 20 मिनट तक फुल आंच में गर्म करूंगा, क्योंकि तवा जितना अच्छे से गर्म होगा उतने ही अच्छे से हमारे पास डोसे अच्छे से बनेंगे। और आप इस बात का ध्यान दें कि तवा हमारे पास मोटा होना चाहिए। अगर आप घर पर डोसा बनाते हैं तो घर में आप डोसा बनाने के लिए जिस तवे का इस्तेमाल करेंगे वो तवा मोटा होना चाहिए। पतले तवे पर डोसा अच्छे से नहीं बनता है, पतले तवे के ऊपर डोसा चिपक जाता है और जल भी जाता है। इसीलिए आपने डोसा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही फॉलो करना। 20 मिनट के बाद मेरे पास तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब शेफ विनेश सागर जी तवे को अच्छे से चाकू की सहायता से साफ करेंगे। हम तवे के ऊपर जमी पपड़ी को चाकू की सहायता से अच्छे से निकाल देंगे। जब हमारे पास तवा पूरा गर्म होगा तभी तवे के ऊपर से पपड़िया अच्छे से निकलेगी। इसीलिए आप तवे को कम से कम 20 मिनट तक फुल आंच में गर्म करना, क्योंकि अगर तवे से हमारे पास पपड़िया अच्छे से नहीं निकलेगी तो फिर हमारा डोसा तवे पर चिपक जाएगा। इसीलिए आप इसकी पपड़ियों को अच्छे से निकाल दें। डोसा बनाने के लिए दूसरा स्टेप आपने यही फॉलो करना। आप देख सकते हैं कि हम चाकू की सहायता से तवे को कैसे साफ कर रहे हैं। हम इसके ऊपर से सारी पपड़ियां निकाल देंगे जो पपड़ियां इसके ऊपर जमी हुई थी। अब हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको फिर से चाकू की सहायता से साफ करेंगे। आप देख सकते हैं कि तवे के ऊपर पानी डालने के बाद हमारे पास तवे पर और पपड़ियां दिख रही है। हम इन पपड़ियों को और अच्छे से निकाल देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोसा तवे पर ना चिपके इसके लिए हमें तवे को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करना होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, परंतु यही वह तरीका है जो हमारे डोसे को तवे पर चिपकने नहीं देगा। तभी तो हम तवे को अच्छे से साफ कर रहे हैं। अब मैं इस पर फिर से पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद मैं तवे के ऊपर रिफाइंड तेल का छिड़काव करूंगा। तेल को मैं पूरे तवे के ऊपर लगा दूंगा। फिर मैं कपड़े की सहायता से तेल को अच्छे से तवे के ऊपर लगाता रहूंगा। मैंने तेल को तवे पर अच्छे से लगा दिया है। अब मैं आपको जो आखिरी स्टेप बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने एक छिले हुए प्याज को लेना है। प्याज को आप नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से हल्का काट लेना। अब प्याज की सहायता से आपने तवे को अच्छे से साफ करना। प्याज से तवे को साफ करने से आपका डोसा लोहे के तवे पर कभी नहीं चिपकेगा। इसीलिए आखिरी वाला ये स्टेप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप लोहे के तवे पर डोसा बनाते हैं तो आपने प्याज से आखिर में तवे को अच्छे से साफ कर देना, जैसा मैं कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास तवा कितना अच्छी तरह से साफ हो चुका है। अब हम डोसे के बैटर को डोसा बनाने के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। डोसा का बैटर हमने
पिछले कल बना के रखा हुआ था। अगर आपको डोसे का बैटर बनाना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस वीडियो के बाद डोसे के बैटर बनाने की वीडियो भी देख सकते हैं। पहले मैं तवे के ऊपर दो डोसे बनाकर देख लेता हूं कि डोसे तवे के ऊपर चिपक तो नहीं रहे हैं, और मैं तवे को भी चेक कर लेता हूं कि तवा डोसे बनाने लायक गर्म हो चुका है कि नहीं। जब भी आप डोसा बनाते हैं तो आप तवे को इसी तरह से चेक कर देना। अगर आपके पास डोसे चिपक रहे हैं तो आप तवे को और गर्म होने दें, अगर नहीं चिपक रहे हैं तो समझ लेना कि हमारे पास तवा अच्छे से गर्म है। मैंने तवे को चेक करने के लिए जो डोसे डाले थे वो अच्छे से निकल रहे हैं। डोसे निकालने के बाद में तवे को प्याज की सहायता से और साफ कर दूंगा। हमारे पास तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम डोसा बनाकर आपको दिखाते हैं। आप बस देखते रहे कि हम डोसे को कैसे बना रहे हैं। जैसे ही डोसे एक साइड से पकने शुरू हो जाए फिर आप इसके ऊपर हल्का हल्का रिफाइंड तेल का छिड़काव करना और चाकू की सहायता से डोसे को तवे के ऊपर से ढीला कर देना। आप देख सकते हैं कि मेरे पास डोसे कितने अच्छे बन रहे हैं, ना ही तवे पर चिपक रहे हैं। आप भी लोहे के तवे पर इसी तरह से डोसे बना सकते हैं, बस आपको मेरे वाले ट्रिक फॉलो करने होंगे, क्योंकि लोहे के तवे पर जो डोसे बनते हैं उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन पर भी डोसे बना सकते हैं, पर नॉन स्टिक पैन पर बना डोसा खाने में अच्छा नहीं होता है, ना ही क्रिस्पी बनता है, इसीलिए आप लोहे के तवे पर ही डोसा बनाएं। मैं अब डोसे को निकालकर एक प्लेट में रख देता हूँ। अब हम आपको डोसा चेक करके दिखाते हैं कि हमारे पास डोसा कितना क्रिस्पी और अच्छा बना हुआ है। शेफ विनेश सागर जी आपको डोसा तोड़कर दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।